क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कैसे हो सकता है इसमें? इसमें ये होगा r बाई टू, यहाँ पे r बाई टू गिवन, ध्यान रखना बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, बच्चे ये गलती करेंगे कि आई नॉट प्लस एम आर स्क्वेयर कर देंगे सीधा ही, ये बिना जा देखे कि भाई डिस्टेंस r बाई टू है इन दोनों के बीच। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम ठीक से आ गई है तो इसका मतलब ये है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे बेटा। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? अच्छा, लास्ट लेक्चर्स में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर हम कहें कि रोटेशनल इनर्शिया, क्या रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है, वही काम करता है रोटेशन में, रोटेशनल मोशन में, जो कि आपका इनर्शिया काम करता है किसमें, ट्रांसलेशन मोशन में, राइट। रोटेशनल इनर्शिया कह दो या फिर MOI कह दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों मतलब एक ही सिक्के के दो नाम है, दो पहलू है, ठीक है। हाँ, दो पहलू भी नहीं है, मतलब दो फेस है, ये समझो। तो इसमें क्या है कि अगर हमने ये सीखा था कि अगर कोई बॉडी है जिसका मास एम है और उसका किसी एक्सिस ऑफ रोट किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, है ना, कौन सा एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर सकती है बॉडी या रोटेट कर रही है बॉडी, उसके रिस्पेक्ट में उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या रोटेशनल इनर्शिया है वो क्या होता है। वो सपोज ये हमारा एक एक्सिस है और यहाँ पे एम मास की बॉडी है, ठीक है, कितना मास है इसका एम, और इस एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस, ये सपोज आर है, राइट। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो आपका क्या आएगा, आई इजक्वल टू एम आर स्क्वेयर, या डिस्टेंस को डी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मतलब किसी भी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो और ये डिस्टेंस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो डिपेंड करता है, या रोटेशनल इनर्शिया बात करें तो डिपेंड करता है किस पर, एक तो मास पर है, उसके साथ में उसकी जो डिस्टेंस है किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया, क्या कह रहा हूँ मैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सपोज कि एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ये हो गया, यहाँ पर आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये डिस्टेंस इसकी मास की यहाँ से इस ब्लॉक या कह रहे बॉल की मास के ना, डिस्टेंस कितनी है, अब ये आर वन हो गई। तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में सपोज ये एक्सिस ए बी था, ये ए बी रहे एक्सिस है सपोज, ठीक है, तो आई ए बी क्या हो जाएगा, आई ए बी मास इंटू इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे, एक्सिस से, एक्सिस से डिस्टेंस है वो, है ना। सो मास इज एम एंड डिस्टेंस इज आर वन स्क्वेयर, आर वन का स्क्वेयर। सो ये नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, किसी भी एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट इजी वे में कर सकते हैं, अगर ये डिस्क्रिट मास है तो। किसकी बात कर रहे हैं हम, डिस्क्रिट मास की बात कर रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अगर मान लो कंटिन्यूस बॉडी है, कैसी बॉडी है, कंटिन्यूस बॉडी है, तो कंटिन्यूस बॉडी, कंटिन्यूस बॉडी कैसी होगी, जैसे आपकी रिंग है, ये था आपका पॉइंट मास था, एक एक मास ले ना, पॉइंट मास ले रहे हैं हम इसको, अगर कंटिन्यूस बॉडी है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक रिंग है, ठीक है, जिसका ये सेंटर है और ये हम एक एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, और इसका मास सपोज एम है, कैपिटल एम है, और इसकी जो रेडियस है वो आर है, राइट। तो ये देखो कंटिन्यूस मास यहाँ पे इसकी जो सरकमफ्रेंस है ना उस पर फैला हुआ है मास, डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, समझ आ रही बात। हाँ, और हमें पता है कि रोटेशनल इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास पर, बॉडी के मास पर, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन पर, किसके रिस्पेक्ट में, एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी की कुछ वैल्यू आएगी, राइट। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर देते हैं तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, ना कि फिक्स होता है, जैसे मास फिक्स होता है ट्रांसलेशन मोशन के रिस्पेक्ट में, जो इनर्शिया की हम बात करते हैं उसमें मास फिक्स होता है, लेकिन रोटेशनल इनर्शिया जो है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका है वो फिक्स नहीं होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, ठीक है। तो अब ऐसे केस में जब कंटिन्यूस बॉडी है, ठीक है, कंटिन्यूस बॉडी में क्या करेंगे, कोई एलिमेंट लेंगे डी एम मास का, राइट, और यहाँ के इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये तो आर ही है ना, हाँ, तो वो चेंज भी हो सकती है सपोज, अगर ये तो आपके रिंग हो गई, तो
वैसी कोई बॉडी हो तो उस केस में क्या होगा, कंटिन्यूस बॉडी, एक्स डिस्टेंस पे डी एम मास ले लेंगे और उसको हम इंटीग्रेशन वाले मेथड से जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि आई कंटिन्यूस बॉडी का कैसे निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मास उस एलिमेंट का इंटू उसकी डिस्टेंस, सपोज वो एक्स है तो उसका स्क्वेयर, सो डी एम एक्स स्क्वेयर, या ऐसे कह सकते हो एक्स स्क्वेयर डी एम, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो कंटिन्यूस बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, वो टोटल मास पर और उसकी शेप पर, किस पे डिपेंड करता है उसकी शेप पर, और कैसे निकालते हैं ये तरीका है। लेकिन नीट में आपको कंटिन्यूस बॉडीज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकालने के लिए डेराइव नहीं करवाएगा आपको, कुछ सबसे जो इजी है ना, हाँ इजी शेप है, जैसे आपकी रिंग हो गई तो रिंग पर क्वेश्चन देगा आपको, डिस्क पे क्वेश्चन देगा, राइट, किस पे, डिस्क पे, स्पेयर पे, स्पेयर, ये जो कॉमन बॉडीज है ना, सिलेंडर है उस पर बना देगा। इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो क्वेश्चन में देगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन इस तरह से होगा, तो हमें एक जैसे ये वाली जो अप्रोच है इंटीग्रेशन वाली अप्रोच, ये हमारी जेई एडवांस के लिए तो काम में आती है, लेकिन नीट के लिए हमें ज़्यादा काम की नहीं है। तो हम सीधे इसके फॉर्मुलेज वगैरह, कुछ बेसिक फॉर्मुलेज हैं, और उनसे हम दूसरे एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रोटेशनल इनर्शिया, वो हम सीख लेंगे, ठीक है। तो हमारा काम इसी में चल जाएगा, राइट, ये बात समझ में आ गई, ग्रेट। तो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो गई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो गई, ये इस पे आते हैं। अब देखो कंटिन्यूस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो या डिस्क्रीट बॉडी भी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, नहीं चलो इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, किस पे डिपेंड करता है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर, राइट, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में आपने जो भी कुछ मास लिया है तो वो आपका, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है तो उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा, राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया, राइट। तो सपोज एक बॉडी ले लेते हैं कोई भी, ये इररेगुलर शेप की कोई बॉडी है, ठीक है, हाँ, और यहाँ पे सपोज ये हमें दिख रही है कि हाँ कैसी बॉडी है, 3D बॉडी है, इस तरह से बॉडी है, ठीक है, हाँ, और ये इसका कोई सपोज इसका मास m है, मास कितना है, m है, राइट, और ये हमारा इसका सेंटर ऑफ मास कोई ये है सेंटर ऑफ मास, तो हम इसके सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जैसे वो बताया था कि किसे मेथड जो है ना हमारा, कौन सा मेथड है, ये सेंटर ऑफ मास है और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है कोई, ठीक है, हाँ, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने मेथड किया, कौन सा किया, इंटीग्रेशन वाला मेथड, तो उसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक कंटिन्यूस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम जनरली क्या करेंगे कि उसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होता है उसका, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। लेट अस अज्यूम कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इसका ये सेंटर ऑफ मास है, क्या है, COM, सेंटर ऑफ मास है ये पॉइंट, ठीक है, इससे एक एक्सिस पास हो रहा है और इसके रिस्पेक्ट में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, आई है सपोज, या आई नोट है, ठीक है, हाँ, या फिर कह लो कि आई सी है, आई सी ओ एम है, जो भी कहना चाहो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रिस्पेक्ट में, किसमें, इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखना किसके, जो ऐसे एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होता है। अब अगर हमें एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि इसके पैरेलल है, कैसे है, इसके पैरेलल है, उसके रिस्पेक्ट में हमें, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज यहां से पास होता है, इस पॉइंट से पास होता है और ये ऐसे पास हो रहा है, राइट, तो अगर ये इसके पैरेलल हो गया, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ रहे हैं हम कि दोनों एक्सिस कैसे हैं, पैरेलल है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये सपोज डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी है। अच्छा पहले, उससे पहले तो इसके रिस्पेक्ट में, चलो यही करते पहले, इसके रिस्पेक्ट में सपोज कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, कितना है, आई है, तो आई जो होगा पैरेलल एक्सिस के थ्योरम के अनुसार, के अकॉर्डिंग, दैट विल बी आई नॉट प्लस एम मास, मास ऑफ द बॉडी इंटू जो डिस्टेंस है एक्सिस के बीच में उसका स्क्वेयर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
ये हमारा इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीधी सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, किसी भी बॉडी का कैसी भी शेप हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो चलो पीवाई क्यों करते हैं और अच्छे समझने के लिए, ठीक है। हाँ, ये आपका मेडिकल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप का मतलब क्या हो गया कि रिंग है हमें, है ना, सर्कुलर रिंग गिवन है, ऑफ रेडियस आर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट ए डिस्टेंस आर बाई टू फ्रॉम इट इज। क्या पूछा है इसने, कहा है, चलो एक बार क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, पॉज करो वीडियो को और देखो क्वेश्चन का आंसर बनता है कि नहीं बनता, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना, ठीक है। हाँ, कोशिश करो बेटा। चलो क्या कहा है इसने, इसमें एक सर्कुलर लूप दे रखा है, देखो ये एक सर्कुलर लूप है या रिंग है, और इसके हॉरिजॉन्टल डायमीटर के रेस्पेक्ट में इसका मास m गिवन है, और ये इसका सपोज ये सेंटर है ना, हाँ, तो ये सेंटर से पास हो रहा है एक एक्सिस, राइट। इसके रेडियस r है, अगर हम इसकी रेडियस की बात करें, सो इट इज गिवन एज r, मास m गिवन है, राइट। और एक अलग एक्सिस पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर हो गया, इसके पैरेलल में एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें पूछा है, राइट। तो लेट अस अज्यूम कितनी है, r बाई टू डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी ना, हाँ। सो ये हम कहते हैं कि ये हमारा एक पैरेलल एक्सिस हो गया जिसकी ये डिस्टेंस कितनी है, r बाई टू है, राइट, क्लियर है ना। हाँ, अब देखो रिंग का जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या रोटेशनल इनर्शिया है वो क्या होता है रिंग का डायमीटर के रेस्पेक्ट में, तो ये हमने लर्न किया था कि डायमीटर के रेस्पेक्ट में जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई नॉट, ये आई नॉट बोल लेते हैं इसको ना, हाँ, तो वो कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, राइट। और अब हम बात कर रहे हैं कि इसके पैरेलल जो ये सेंटर ऑफ मास है इसका ना, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, क्योंकि सिमेट्रिक बॉडी है तो सेंटर पर ही होगा, है ना, ग्रेविटी मतलब सीजी पर ही होगा, राइट, ओके। तो अब यहाँ से कंडीशन क्या है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, कि ऐसा हम किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, बशर्ते कि क्या हो हमारे पास में कि सेंटर से पास होने वाला कोई ऐसा एक्सिस हो जो उस एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है उसके पैरेलल हो। तो फिर हम उस पैरेलल जो पैरेलल है ये वाला जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बॉडी का मास यानी रिंग का मास एम इनटू जो ये डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच में उसका स्क्वायर, सिंपल सी बात है। लेट अस अज्यूम कि इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सी जी से पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है इंटू एम, और डी, डी कितना है यहाँ पर, डी की वैल्यू आर बाई टू है, एम डी स्क्वायर, है ना, यही थी ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी, राइट। सो ये आर बाई टू का स्क्वायर कितना हो गया, आई नोट कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू है, सो इट इज एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई फोर and that comes out to be 3 by 4 एम आर स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, अगर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता है, राइट, एक फॉर्मूला पता है हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें पता है इसका यूज हुआ है, राइट। और मैंने बताया था आपको कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो किसके होंगे, वो आपके रिंग और डिस्क पे बनते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपके, वैसे तो और रेडियस ऑफ जायरेशन पे बनते हैं और दूसरी जो बॉडीज हो गई मतलब दूसरे शेप हो गई उन पर भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में आपके रिंग और डिस्क पर बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है, नीट के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, राइट। तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज की है, तो आंसर इस केस में हमारा हो गया डी आंसर, ये करेक्ट आंसर है। अब अगर मान लो ये कहता है कि हमारे पास में अब किसी भी उस पर पूछ सकता है, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कैसे हो सकता है इसमें, इसमें ये होगा r बाई टू, यहाँ पे r बाई टू गिवन, ध्यान रखना बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, बच्चे ये गलती करेंगे कि आई नॉट
प्लस एम आर स्क्वायर कर देंगे सीधा ही, ये बिना देखे कि भाई डिस्टेंस आर बाई टू है इन दोनों के बीच में, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ना दोनों एक्सिस के बीच में वो कितनी है, वो आपकी आर बाई टू है, राइट ये हो सकता है। अच्छा इसका वेरिएशन और क्या हो सकता है, वेरिएशन ये हो सकता है कि किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो इसको यहां पे टच करके जा रहा है, राइट, या फिर इसके रिस्पेक्ट में भी अगर हमें क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछ ले बाय द वे, जो वेरिएशन आ सकता है क्वेश्चन ना, और क्वेश्चन क्या बन सकता है उसमें हम पॉजिटिविटी पे थोड़ा देख रहे हैं, तो इसमें यहां से डिस्टेंस ये हमें पता है इसके रिस्पेक्ट में कितना है, अगर हम बात करें ये आई डैश है सपोज इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सर सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है एक्सिस जो इसके पैरेलल है, राइट इसके पैरेलल है तो उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो हमारा एम आर स्क्वायर बाई टू है, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस मास इंटू डिस्टेंस दोनों के बीच में, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो आर ही है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस सेंटर से आर हो गई बेटा, रेडियस हो गई रिंग की, सो ये हो जाएगा हमारा एम मास इंटू आर स्क्वायर, सो ये थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर हो गया, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। अच्छा अब ये जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछे, एक्सिस आपका दूसरा भी हो सकता है कोई, राइट कैसे हो सकता है, अब ये पूछ ले कि भैया कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ ये एक्सिस गिवन है कि यहाँ पे टच कर रहा है, इस तरह की शेप दे दी और यहाँ पे टच कर रहा है, ये सपोज कि ए बी एक्सिस है, ए बी एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले तो क्या होगा, इसमें इसमें क्वेश्चन में ये वाला जो आई डैश हमने कैलकुलेट किया था और ए बी के रिस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो इसमें कोई डिफरेंस आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम डायमीटर जो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक सीधा सा ये सी जी हमारा या सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इससे पास होने वाला एक एक्सिस बनाएंगे और जो इसके पैरेलल में हो, अब ये क्या हो गया, ये डायमीटर ही है ऑब्वियसली, यहाँ से लेके और यहाँ तक रिंग का क्या है, सेंटर से पास हो रहा है, डायमीटर है बेटा, राइट, तो इस डायमीटर के रिस्पेक्ट में हमें पता है कितना होता है, डायमीटर के रिस्पेक्ट में यही होगा, सिंपल, डायमीटर चाहे हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सेम रहेगा, राइट, तो ये हो गया। अब इसके पैरेलल एक्सिस में पैरेलल एक्सिस है ये वाला ए बी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर ही है, कितनी है, आर है ना, हाँ रेडियस ही है ऑब्वियसली, दोनों एक्सिस इस एक्सिस और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट के बीच की डिस्टेंस जो है आर है, सो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे हम और कितना लगे, यही वाला हो जाएगा आई डैश एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, यानी यहां पर भी अगर हम कहें कि ये आई डबल डैश है, क्या है इसके रिस्पेक्ट में आई डबल डैश है, तो आई डबल डैश भी किसके बराबर हो जाएगा, आई डैश के इक्वली हो जाएगा, एंड दैट विल बी थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, इस तरह के वेरिएशन डाल सकता है। फिर इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का भी यूज हो सकता है इसमें, पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जब डिस्कस करेंगे तब हम उसको देखते हैं कि भाई हाँ क्या चेंज आ सकता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बन गया आपसे, रिंग के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जिसमें यूज होना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप अच्छे से कर पाओगे इसको, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, क्या दिया है, थिन यूनिफॉर्म रोड दिया हुआ है, देखो कैसी यूनिफॉर्म, एक तो यूनिफॉर्म बता दी यानी कि उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है ना, राइट, और थिन रोड है, राइट, ऑफ मास एम है एंड लेंथ एल है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में ना, हाँ, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज आई, गिवन है ये हमें, क्या कह रहा है कि भैया कोई, अच्छा पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना है उसके बाद में सोल्यूशन देखना है, ठीक है, हाँ तभी तो, नहीं तो करने का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं लग रहा है बेटा, अगर आप सीधा सोल्यूशन देखोगे ना, मैं सोल्व करवा रहा हूँ, फिर आप कोई गलती होती है आपसे तो वो देखना सोल्यूशन में कि हमने क्या गलती की है, और कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसके वेरिएशन देखना कि और कैसे वेरी कर सकते हैं क्वेश्चन, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग वन ऑफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज, क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि हमारे पास में एक रोड गिवन है, उम्मीद है आपने अटेम्प्ट कर लिया वो क्वेश्चन को, ये थिन रोड है एक, ठीक है, हाँ, और इसका मास हमें गिवन है एम
क्या है, m गिवन है, और लेंथ जो है इसकी यहाँ से और यहाँ तक लेंथ गिवन है कितनी, l, ये l है, राइट। अब इसने कहा कि इसके मिड पॉइंट से है ना, यानी कि वो मिड पॉइंट यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ही हो गया बेटा, सेंटर ऑफ मास हो गया। तो ये सपोज ये आपका मिड पॉइंट है और इसके रिस्पेक्ट में एक एक्सिस है जो कि इसके परपेंडिकुलर है ना, क्या कह रहे, मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस ले सकते हैं हम, ये एक्सिस है ठीक है, ये इसके सेंटर से पास हो रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, क्या है, आई गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट। उसने पूछा है कि एक ऐसा एक्सिस जो कि इसके एक एंड से है पास हो रहा है और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है, यानी इसके पैरेलल ही हो गया ऑब्वियसली, राइट। तो ये हम ये एंड से मान लेते हैं, तो हम ये एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्सिस हमारा हो गया और इसके रेस्पेक्ट में हम कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश हो गया। ये आई डैश की वैल्यू इसने पूछी है कि आई डैश क्या होगा भाई, आई डैश आपका क्या है, ये पूछा इसने। अब हमें पता है कि यहाँ से हम दोनों एक्सिस पैरेलल हैं ऑब्वियसली, इसके रेस्पेक्ट में हम पैरेलल एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और ये हमें डिस्टेंस भी पता है और रोड का मास भी पता है। तो सिंपल क्या होगा, सिंपल है बिल्कुल, कि आई डैश जो होगा वो होगा आई प्लस रोड का मास, दैट इज एम इंटू डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस एल है, एल एल, तो ये कितनी होगी, एल बाई टू होगी, सो एल बाई टू का स्क्वेयर, सो इट इज आई प्लस एम एल स्क्वेयर बाई फोर। देखो कौन सा आंसर है, ए आंसर है, देखो सिंपल, दिखने में क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है राइट, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है आपको तो झट से हो गया सिंपल, एक लाइन में हो गया कि नहीं हो गया, हाँ बिल्कुल। अच्छा अब देखो क्या कह रहा है, अब इसमें हमने जो एक चीज समझी थी जब हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था तो उस टाइम पर एक चीज हमें क्लियर की थी कि भैया जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे मास जितनी डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितनी दूरी तक है मास है ना, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका या रोटेशनल इनर्शिया उसका ज्यादा हो जाएगा। और रोटेशनल इनर्शिया की बात क्या होगी, मतलब रोटेशन में ज्यादा इनर्शिया देगा ही है ना, इनर्शिया इनर्शिया इफेक्ट ज्यादा डालेगा, मतलब रोटेशन मुश्किल होगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस किसी भी बॉडी का एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसको रोटेट करना मुश्किल पड़ेगा राइट, और रोटेट करिए तो उसको रोकना मुश्किल पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं है, हाँ, क्योंकि ज्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो इसको देखते हैं, यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, आई है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देख रहे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एम एल स्क्वायर बाई फोर से बढ़ गया है, बड़ा हो गया ना। तो अगर हम इस रोड को यहां से घुमाएं इस एक्सिस के रिस्पेक्ट से, अगर हम इसको रोटेट करें ऐसे है ना रोड, तो इसको ऐसे रोटेट करें, ये ऐसे रोटेट करें, तो हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी ज्यादा टॉर्क देना पड़ेगा, इजंट इट, ऐसा है कि नहीं है। और अगर हम बीच से घुमाएं ऐसे घुमाएं तो ये आसानी से घूम जाएगा, मतलब इसके कंपेरिजन में आराम से घूम जाएगा, करके देखें छोटा सा, हाँ छोटा सा एग्जाम, ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक मिनट। मेरे पास ना एक रोड है जो हमने पहले भी जब हमने कॉन्सेप्ट समझा था उस टाइम पर भी हमने इसको काम में लिया था, देखो ये रोड है ठीक है, हाँ। अब ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ वाले इस केस में यहाँ पे ये सेंटर है इसका, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाले, इसके रेस्पेक्ट में इसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, या फिर हम ये कह लें कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अभी इस तरह से मुझे क्योंकि ऐसे घुमाना मेरे लिए मुश्किल पड़ेगा तो ऐसे कर लेते हैं, ये है ठीक है, हाँ। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको घुमाता हूँ, अब ये देखो, हाँ ये घुमा पा रहा हूँ ना, हाँ घूम रही है आराम से ठीक है, थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही है ऑब्वियसली, बिना उसके तो हो नहीं पाएगा, फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, हाँ। तो ये ऐसे घुमा सकते हैं, अच्छा अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो ये हो गया, इसका ये एंड हो गया, अब ये मेरे पास में पूरा जो मास है इस साइड से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, और इसके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके रिस्पेक्ट में हम इसको रोटेट कर रहे हैं, देखो ये, तो ये इतना आसान नहीं पड़ रहा मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूँ तो ये मुश्किल पड़ रहा है, इसको इतना आसानी से घुमाना मुश्किल है, यहाँ पे देखो हाथों पे ना जोर भी लगाना पड़ रहा है मुझे, यहाँ से ये देखो, हाँ ये पावर फोर्स लगाना पड़ रहा है, ये मुश्किल है। तो ऑब्वियसली बिल्कुल बात सही है कि इस तरह से आपका जो एंड से घुमाते हैं इसको, एंड से रोटेट करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है राइट, समझ में आई बात, हाँ। यहाँ से देखो आराम से घूम रहा है, ये देखो ये लो घूम गया, हाँ ये देखो, लेकिन यहाँ से करते हैं हम तो बड़ा मुश्किल है, ये देखो मुश्किल से हो पा रहा है, बड़ी मुश्किल से ठीक है, हाँ। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास में,
तो हमने इसको थोड़ा समझ भी लिया, डेमोन्स्ट्रेट भी करके देख लिया, इसको थोड़ा रोड के हेल्प से समझ भी लिया, तो बिल्कुल ठीक बात है ये। अब अगर मान लो और कोई दे दे कहाँ पर, अगर दूसरा इसमें वेरिएशन क्या डाल सकता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वेरिएशन ये हो सकता है कि यहाँ से पूछ ले वो कोई डिस्टेंस, मान लो ये इसके मिड पॉइंट से पूछ ले इससे, इस तरह से ये एक्सिस ले ले, तो ये डिस्टेंस सपोज कितनी हो गई, एल बाई फोर हो गई, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है। हमने ये पोर्शन के हाफ को ले लिया, तो अब ये जो सपोज यहाँ पर आई टू ले लेते हैं इसको ना, हाँ तो आई टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल जो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए इसके पैरेलल एक्सिस, उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखो आई टू क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो वो कितना आई है, प्लस उसका मास एम इंटू डिस्टेंस, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एल बाई फोर है, तो ये एल बाई फोर का स्क्वायर, तो ये आ गया आई प्लस एम एल स्क्वायर बाई 16। ये देखो अब ये जो है एम एल स्क्वायर बाई 16 ये टर्म आई है, राइट, सेंटर से हम थोड़ा दूर गए हैं तो ये टर्म ऐड हुई है, लेकिन सेंटर से अब जब ज़्यादा डिस्टेंस पे चले गए ना, डबल ज़्यादा उसमें मतलब डबल डिस्टेंस पे चले गए, यानी एल बाई टू तक चले गए, ये एल बाई फोर पे, तो एम एल स्क्वायर बाई 16 ऐड हो रहा है हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और जब हम यहाँ पे आ गए तो एम एल स्क्वायर बाई 4 यानी 4 टाइम्स हो गया, यानी जितना ज़्यादा हम सेंटर से दूर जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी ही तेजी से बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, राइट, समझ में आई बात ना, हाँ, तो जितना ज़्यादा दूर जाएंगे आप उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा बढ़ेगा और उतना ही मुश्किल से उसको रोटेट, मतलब रोटेट करना होगा, उतना ही मुश्किल होगा उसको रोटेट करना। तो इस तरह के वेरिएशन डाल सकते हैं बेटा। अच्छा, और ये हो सकता है कि आपका जो एंगल पर पूछ ले, लेकिन वो एक थोड़ा सा अलग केस हो गया, राइट, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे, और ये वाला एक्सिस पे पूछ ले, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में है ना, ये वाला एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये आपके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे आएगा, इस पे दिया हो और हमें इस पे निकालना हो, तो वैसे तो ये वही उसी से हो जाएगा, रोड के केस में तो सिंपल हो जाएगा, उसी केस उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है, वो नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे जब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम डिस्कस करेंगे उस टाइम पर, रोड के रिस्पेक्ट में सेम ही रहेगा। ओके, थ्री रिंग्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीबीएसई एएपीएमटी का है, तो ये देखो थ्री रिंग्स ईच ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस एक्स एक्स डैश विल बी। अच्छा, ये करने से पहले एक सेकंड, इसमें आपका सेंटर के रिस्पेक्ट में कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमने इसमें दिया नहीं है, इसने सीधा आई दे दिया, ठीक है ना, हमने डिस्कस भी नहीं किया, तो कितना होता है ये देख सकते, बता पता है, ध्यान है कि नहीं है, हाँ, रोड का सेंटर के रेस्पेक्ट में ना, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एम एल स्क्वायर बाई एम एल स्क्वायर बाई 12, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, राइट, हाँ, ये हम सीधा फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि सेंटर के रेस्पेक्ट में ये होता है, जो एक्सिस सेंटर से पास हो और रोड के लेंथ के परपेंडिकुलर हो, उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू लेंथ उसकी रोड की लेंथ का स्क्वायर बाई 12, ये होता है, ठीक है, तो एंड के रेस्पेक्ट में क्या आ गया, इससे हमारा आई डैश क्या आएगा, चलो ये भी थोड़ा देख लेते हैं, आई डैश हमारा हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस इसके एंड के रेस्पेक्ट में पूछ रहे ना, हाँ, एम एल स्क्वायर ये वाली टर्म बाई 4 एंड 12 आपका एलसीएम आ जाएगा, इसको सोल्व करो तो 1 प्लस ये कितना हो गया 4, मतलब 3 प्लस 1 यानी 4 एम एल स्क्वायर बाई 12 4 एम एल स्क्वायर बाई 12 एंड दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो आई डैश कितना आया हमारा, आई डैश एम एल स्क्वायर बाई 3, डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हो आप, क्या कि जो एक्सिस जो उसके लेंथ के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास हो रहा हो, तो ये रिजल्ट हमें याद रखना ही है, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है उसका ना, ठीक है, लेकिन एक एंड से पास कर रहे हैं तो उस केस में एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, और अगर हमें ये दिया हो आई गिवन है तो हमने कैलकुलेट कर ही दिया ये, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में वेरिएशन इस तरह के बन सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे ना, हाँ, तो इसमें तीन रिंग दी हुई है जिनको इस तरह से अरेंज किया है, ये कह रहा क्वेश्चन में, और तीनों का मास क्या है, एम है और रेडियस आर है, सबके मतलब मास और रेडियस सबके समान है, राइट,
अब क्या कर रहा है कि इसकी ये जो एक एक्सिस दिया है एक्स 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 डैश, इसके रिस्पेक्ट में सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। ओके तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिस्कस किया था पहले ना, क्या कि अगर मान लो ये कोई मास है, ये सपोज एक एक्सिस है जिसके रिस्पेक्ट में हम एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अगर ये हमारे पास में एक मास है जिसका जो m1 है और ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पर है, कितने r1 डिस्टेंस पे है, राइट। दूसरा मास हमारे पास में यहाँ पर है कहीं पर, और इसकी जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये r2 है, कितनी है r2 है, और इसका मास m2 है। ऐसे कोई तीसरा मास हो सकता है, हो सकता है वो यहाँ पर हो तीसरा मास, राइट, ये m3 और ये डिस्टेंस जो है वो आपकी r3 है। तो इस तरह का जब केस और इसके रिस्पेक्ट में सपोज ये एक्सिस ए बी है, ए बी है, तो आई की अगर वैल्यू पूछे, आई ए बी ये सिस्टम मान लें इन तीनों को, तीनों मास को क्या हुआ एक सिस्टम है हमारा ये, तो अगर आई ए बी पूछे तो ये क्या होगा, ये सपोज इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका I2 है और इसका I3 है, तो सिंपल इनको ऐड कर देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, समझ में आई बात। और I1 और I2 I3 की वैल्यू हमें पता ही है क्या कितनी आएगी, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट हमारा काम में आएगा कि आई की जो वैल्यू इन तीनों मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा या रोटेशन इनर्शिया आएगा वो तीनों का सम हो जाएगा, उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल जो मास होंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका हम सम कर देंगे, सेम कॉन्सेप्ट हमारा इसमें काम आएगा, राइट। इस ये जो क्वेश्चन है यही सेम कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, देखो कैसे, क्या गिवन है, तीन रिंग गिवन है, मास सबका एम है और रेडियस आर है, तो अब ये देखो यहां से ये जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो इस वाले ऊपर वाली सपोज ये एक नंबर रिंग है, ये आपकी दो नंबर रिंग है और ये तीन नंबर रिंग है, राइट। तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कह सकते हैं इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है, I1 है ना, I1, और इसका यहां से देखो ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, ये तो इसको टच कर रहा है यहाँ पे एंड पॉइंट पे, राइट, तो इसका मतलब इसका सेंटर से ये जा रहा है कोई सेंटर से, राइट। तो सेंटर हमें पहले इसके रिस्पेक्ट में I2 अगर मान लो कहते हैं कि I2 किसके एक्स एक्स और एक्स डैश के रिस्पेक्ट में है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले हमें इसका चाहिए मतलब I2 से C चाहिए, मतलब C सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ऐसे हमें इसका चाहिए, लेकिन दोनों का क्या हो जाएगा, चाहे आपका लेफ्ट साइड में मास हो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के या राइट साइड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क किस बात से पड़ता है, केवल मास की वैल्यू से और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस से, इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ तो ये आपका होगा और ये इसमें इसमें देखेंगे तो इसका भी ये सेंटर से पास होगा, सपोज ये I3C होगा, राइट। तो अब हमें ये पता है कि रिंग का उसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होता है, मतलब डायमीटर, वो डायमीटर जो उसके सेंटर ऑफ डायमीटर के रिस्पेक्ट में, हाँ डायमीटर तो सेंटर ऑफ मास सेंटर से पास होता है ऑब्वियसली, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होता है, वो हमें पता है कि अगर हम किसी भी रिंग का देखेंगे तो वो होता है हमारा m I=m r² / 2। अभी पीछे से मतलब लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में तो देखें पढ़ाई था हमने, ठीक है ना, हाँ वैसे भी सिंपल फॉर्मूला आप याद रहता है आपको, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें ये पता चल गया I1 तो यही होगा हमारा, राइट, यही होगा। I2 क्या करें, I2 मतलब ये हो गया इसके रिस्पेक्ट में, राइट, दो नंबर के रिंग को इसके रिस्पेक्ट में, तो ये इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें पता है कि mr² / 2 होता है, कितना होता है mr² / 2 प्लस रिंग का मास, रिंग का मास कितना है m है, और ये इस एक्सिस की इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस, तो ये कितनी है, ये तो रेडियस के बराबर है r है, तो mr² और ये हो गया आपका 3/2 mr² और ये जो हो गया ये I2 और I3 दोनों क्या होंगे, I3 दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि सेम उससे टच, मतलब यहाँ पे टच कर रहा है ना, यहाँ पे आपका कहाँ पे टच कर रहा है, इसके सर्कमफ्रेंस पे, इस रिंग को भी और इस रिंग को भी, ये वाला एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो यही आपका I3 हो जाएगा। तो I कितना हो गया, इस I x x डैश कितना हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, सिंपल,
ये कितना है एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस 3/2 एम आर स्क्वायर, और इतना ही ये आपका आई थ्री है, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टू से टू कैंसिल और ये हो गया 3 mr² प्लस mr² / 2 दैट इज इक्वल टू 7/2 एम आर स्क्वायर। सो आई एक्स एक्स डैश क्या आ गया 7/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, कौन सा आंसर है आपका? ए आंसर है। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपल, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इजी वे में कर सकते हैं, देखने में थोड़ा सा हार्ड दिखता है ना, हाँ देखते ही लगता है कि भाई पता नहीं क्या इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना दिया है, लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं है बेटा, क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फटाफट हो जाएगा। इसमें और कुछ वेरिएशन डाल सकता था, किस तरह से वेरिएशन डाल सकता था? हो सकता है चार रिंग ले लें, पांच रिंग ले लें, इसको हम क्या मान सकते हैं? ये रिंग भी देखो कैसे है, रिंग का मतलब ये हो गया कि हम इन दोनों रिंग को तो क्या मान सकते हैं, भाई यहाँ पे हमारा मास है ना, सेंटर ऑफ मास पे ही हमारा मास कॉन्सेप्ट, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा क्योंकि ये आपकी कंटिन्यूअस बॉडी है। कैसी है? कंटिन्यूअस बॉडी है। कंटिन्यूअस बॉडीज का जो रोटेशनल इनर्शिया है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ उनका सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कैसी है रेगुलर शेप की हैं, जो कैसी है? कैसी बॉडी है? कंटिन्यूस बॉडी है प्लस रेगुलर शेप की है, राइट? अगर मान लो रैंडम शेप की बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैसे करना पड़ेगा? वो तो बेटा उससे ही जाना पड़ेगा, किससे? इंटीग्रेशन मेथड से, लेकिन वो आपके नीट में नहीं पूछते इस तरह का क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत आसान है, अगर आप करते हो इसको तो ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी आपको और आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कौन सी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझनी है हमें, इसके साथ में ही इसके कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह की वैरायटी बनती है क्वेश्चंस में, वो चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, जब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।